गाजीपुर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। जिले में रोज संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शुक्रवार यानी आज फिर से कोरोना के 26 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। आइए आपको इन सब मरीजों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। हैरानी की बात यह है कि आज मिले मरीजों में से 14 मरीज एक ही इलाके के हैं। ये मरीज गाजीपुर के कोट मोहल्ला चीतनाथ के रहने वाले हैं। एक साथ इतने मरीजों का एक ही इलाके में मिलना चिंता का विषय है। वहीं एक मरीज मैनपुर करंडा के भी रहने वाले हैं। इसके अलावा सिलाई बालापुर मोहम्मदाबाद में एक, नौकापुरा लंका में एक, सिकंदरपुर गाजीपुर में एक, कालूपुर रेवतीपुर में एक, भवानीपुर में दो, नंदगंज देवकली में एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं जमानिया PHC के भी 3 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अब आइए आपको गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात के बारे में बताते हैं। आज मिले कोरोना संक्रमितों को मिला ले तो अभी तक गाजीपुर में कुल 708 लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 492 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ चुकी है और उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। इन 492 में आज ही 40 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज किया गया है। हालांकि जिले में कोरोना वायरस के कारण 9 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। आपको बता दें कि गाजीपुर में इस वक्त कोरोना के कुल 206 एक्टिव केसेस हैं। जिले में रोजाना बढ़ता संक्रमण चिंता का विषय है। ऐसे में हमारी आपसे अपील है कि आप अपना ख्याल रखें, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें और बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर लगाएं। और गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।